गुड आफ्टरनून इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स वेलकम टू यू इन टूडेज़ क्लास सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमने पिछली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कशन चल रहा था जिसमें कि हमने हाइब्रिडाइजेशन के साइलेंट फीचर्स एज वेल एज द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कशन हो रहा था तो अगर हम बात करें टाइप्स को लेकर के तो हमने एस पी एस पी टू और एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन अभी इन पर डिस्कशन किया था जिसमें कि एस पी हाइब्रडाइजेशन का एग्जाम्पल के साथ हमने बी सी एल टू देखा एस पी टू हाइब्राइजेशन में हमने एग्जाम्पल में बी एफ थ्री देखा बी सी एल थ्री देखा और एस पी थ्री के हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल सी एच फोर पर डिस्कसन किया आज की इस क्लास में हम एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन के ही अनदर टू एग्जाम्पल दैट मीन द अमोनिया एज वेल एज द वाटर मॉलिक्यूल इन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जैसा कि आप जानते हो कि अमोनिया और जो वाटर है एच टू ओ मॉलिक्यूल है इनमें sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन है फिर भी इनका जो ज्योमेट्री है वो लाइक मैथेन की तरह नहीं होता इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री है वो डेस्ट्रॉयड हो जाती है लिखा हुआ अनशेयर्ड पेयर ऑक्योपाई हाइबाइज्ड ऑर्बिटल द सेम एज बॉन्डेड पेयर सी द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया अमोनिया के एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे अगर हम बात करते हैं मैथेन की तो इसमें सी एच फोर में के सेंट्रल कार्बन एटम में एसपी थ्री हाइबाइजेशन होता है जिससे कि फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि चार हाइड्रोजन के बनेस ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलेपिंग करके सिंगल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं वहीं बात अगर हम अमोनिया की करें तो अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन में भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन ही होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन से फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उन फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक में होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीन में रहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिन तीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये तीन में क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि तीन हाइड्रोजन के बनेस ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलेपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे अब आप देखिए किस तरीके से अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन वन एस टू टू एच टू टू पी थ्री होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन में हुस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो टू एस में इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया और टू पी में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो वन बाई वन करके जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ एस पी थ्री जिसने वन एस ऑर्बिटर और तीन ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट किए एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हुआ फोर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और जो फोर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसमें एक में रहेगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीन में रहेंगे हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनसेर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा जी अनशेयर्ड रहेंगे बाद में ये जो तीन एस पी थ्री हाइब्रिड देख पा रहे होंगे आप चार बने हैं तो जो तीन जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तीन जा कर के हाइड्रोजन के बनेस ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे देखिए आप ये अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन तीन के साथ ही क्या होगा तीन हाइड्रोजन के बनेस ऑर्बिटल हाइड्रोजन 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 के बनेस ऑर्बिटल जो कि स्पेरिकल होता है वो क्या करेगा लिखा हुआ देखिए ईच हाइड्रोजन एटम बनेस वन बन, ओके वन अनसेड इलेक्ट्रॉन इन एन एस ऑर्बिटल ओके द हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ओवरलैप हेड ऑन विद हाफ फुल हाइब्रिड एसपी थ्री ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड हमने बताया आपको नाइट्रोजन में एसपी थ्री ही हो रहा है चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं जिसमें से एक में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तीन में अनपेयर्ड हैं जिन तीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तीन हाइड्रोजन के बनेस वनेस ऑर्बिटल के साथ हेड्रोन ऑवरलिपिंग करके और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इस प्रकार से अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा बाद इसकी ज्योमेट्री की करें होना तो एसपी थ्री के बाद इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्रा वो जो ज्योमेट्री है वो टेट्रा हेडल होना चाहिए लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्पर इलेक्ट्रॉन और अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी वी नो दैट इन केस ऑफ पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पर पेयर और पेयर के बीच में रिपल्सन है जो कि ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर तो यहाँ पर ग्रेटर रिपल्सन की वजह से जो सेफ है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और जो इसका सेफ है वो पिरामिडल होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पेयर की वजह से ये पिरामिडल सेफ हो जाएगा और बॉन्ड एंगल वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है और बॉन्ड एंगल कितना रह जाएगा वन जीरो सेवन क्योंकि ये जो पेयर है वो इन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा जब रिपल्सन करेगा इनमें तो ये क्या हो जाएंगे सरेंक हो जाएंगे जब ये सरेंक हो जाएंगे जब ये दब जाएंगे तो ये एक दूसरे के क्लोज एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे ध्यान से सुनिएगा जब एक दूसरे के क्लोज जा आ जाएंगे, जा जाएंगे तो जो इनके एंगल हैं वो कम हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से इसमें sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन हुआ फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल बने लेकिन तीन में तीन एक में पेयर था और तीन में अनपियर्ड थे जिन तीन में अनपियर्ड थे उन्होंने जाकर के बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जिसका कि नाम है आप देख रहे होंगे एस पी थ्री डी हाइब्राइजेशन एस पी थ्री डी में दैट मीन इसमें वन एस ऑर्बिटल थ्री पी ऑर्बिटल और वन डी ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एस पी थ्री डी में क्या हो गया वन एस ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल और वन डी ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें से तीन तो रहेंगे हमारे वन ट्वेंटी डिग्री पर और दो रहेंगे नाइन्टी डिग्री पर सेब जो है इसका हो जाएगा जैसा आप देख पा रहे हो ट्राइगोनल बाई ट्राइगोनल तीन तो एक ही प्लेन में रहेंगे जिनके पीछे वन ट्वेंटी डिग्री का एंगल रहेगा ठीक है और वन जैसे देखिए बॉन्ड एंगल नाइन्टी डिग्री और वन ट्वेंटी डिग्री का है ठीक है तो ठीक है आप अब इनके बीच में देखेंगे तो फ्लोरिन जो है वो एवा वन बिलो प्लेन रहेंगे जैसे पी एफ फाइव बना रहा है या पी सी एल फाइव बना लो कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया आपने पी एफ फाइव या पी सी एल फाइव तो इसमें फॉस्पोरस में फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें से तीन को प्लैनर होंगे और दो में से जो रहेंगे वो एक एबअब द प्लान और दूसरा बिलो द प्लान रहेगा जो तीन रहेंगे उनमें वन ट्वेंटी डिग्री का होगा और जो एब बिलो दे रहेंगे वो नाइन्टी नाइनटी डिग्री के होंगे ठीक है तो इस प्रकार से पी एफ फाइव का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये एस पी थ्री हाइब्रिड एस पी थ्री डी हाइब्राइजेशन एस पी थ्री डी का एग्जाम्पल है हम इसको करके बताते हैं सेंट्रल एटम पी पी एफ फाइव या पी सी एल फाइव कुछ भी ले लो आप तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस और जो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है उसमें आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन मतलब में नंबर फिफ्टीन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन बन एच टू टू एच टू टू पी सिक्स हो गया बन एशू टू एच टू टू पी सिक्स थ्री एच टू थ्री पी थ्री होगा इसमें तो देखिए ये थ्री एस में इलेक्ट्रॉन है और थ्री पी में थ्री होंगे जब आपको अभी आवश्यकता क्या है फॉस्फोरस के साथ में फाइव आपका फास्फोरस के साथ में फाइव फ्लोरिन एटम जोड़ना है तो फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जो फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको एक्साइटेड करेंगे ठीक है तो बस एक अनपेड थ्री एस में हो गया तीन थ्री पी में हो गया और एक कहाँ होगा जा कर के थ्री डी में होगा ठीक है लेकिन हाँ जैसा कि इसमें समझाया गया जरा आप गौर से देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थ्री एस का एक्साइटेड होकर के जाएगा कहाँ थ्री एस का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के थ्री पी में जा रहा है और थ्री पी का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर के वो कहाँ जा रहा है थ्री डी में जा रहा है स्टेप बाइज जाता है स्टेप बाइज ही आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिक्वेंस में आएगा स्टेप बाइज वन बाई वन करके इंक्रीज हो गया वन बाई वन करके डिक्रीज होगा तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा अभी इसमें ये हमारे वन एस ऑर्बिटल थ्री पी ऑर्बिटल और वन डी ऑर्बिटल एस पी थ्री डी ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा देख पा रहे हो आप एस पी थ्री डी तो एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें कि क्या होगा हमारे फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें कि पाँचों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे और जो पाँचों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाद में जा कर के ये फाइव फ्लोरिन या क्लोरिन जो भी पी सी एल फाइव या पी एफ फाइव जो भी बनाया है आपने उनके साथ जुड़ जाएंगे और और आपका ट्रायंगुलर और बाइपेरामिडल सेप हमारा आ जाएगा लिखा हुआ है देखिए ईच फ्लोरिन एटम लिखा है िन एटम वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव हैज अनसेअर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए पी ऑर्बिटल द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑवर हेड ऑन विथ ए हाफ फुल हाइब्रिड एस पी थ्री डी ऑर्बिटल ऑफ द फॉस्फोरस टू फॉर्म ए सिगमा बॉन्ड इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है और पी एफ फाइव का फॉर्मेशन हमारा होगा ये देख पा रहे हो गए आप ये देखिए फ्लोरिन जिसके कि आउटर मोस्ट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है जिसमें से तीन तो लॉन पेयर हो गए एक अनपेयर्ड होगा जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक एक फॉस्पोरस के एस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हेड ऑन ओवरलिपिंग कर लेगा हेड ऑन ओवरलिपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से पी एफ फाइव का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है पी एफ फाइव का फॉर्मेशन होगा ये आपका पी एफ फाइव का फॉर्मेशन हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप एस पी थ्री डी टू पर चर्चा करेंगे एस पी थ्री डी टू तो जो एस पी थ्री डी टू है ठीक है जिसमें एक एस ऑर्बिटल रहेगा आपका तीन पी ऑर्बिटल रहेंगे ठीक है और दो डी ऑर्बिटल रहेंगे एस पी थ्री डी टू तो एस पी थ्री डी टू जो रहेगा इसमें एसेपसिक्स एग्जाम्पल हो गया सेंट्रल एटम इसमें सल्फर है जिसमें कि हमारा एस पी थ्री डी टू होगा हम बताते हैं अभी तो फ़िलहाल आप इसका सेब देखिएगा सल्फ़र सेंट्रल एटम हो गया और छः फ्लोरीन है हमारे इसमें फ्लोइन के पास आउटर मोशन में सेवन इलेक्ट्रॉन है जिसमें से तीन पेयर है दैट मीन छः देख रहे हैं और एक एक की सीअरिंग होगी सल्फर के साथ में ठीक है अभी आप अगले में क्लियर हो जाएगा देखिए थ्री एस एटोमिक नंबर कितना है सिक्सटीन सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर बनेगा इसके बाद जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड 3p में और 3p से एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे 3d में चले जाएंगे इस प्रकार से एस पी थ्री डी टू एस थ्री पी और दो डी एस पी थ्री डी टू दैट मीन्स सिक्स एटोमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बन एस थ्री पी और टू डी तो सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिससे कि सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा जो सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि सिक्स फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जिनमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे देखिए इस तरीके से ये तो सल्फर हो गया इसके सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बस इन सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिक्स क्या आ जाएंगे यहाँ फ्लोरिन आ जाएंगे ठीक है तो ये हमारा ऑक्टा हेड सेप बन जाता है इसमें ठीक है चार तो एक ही प्लेन में रहते हैं और एक एबव और एक बिलो द प्लेन रहते हैं और जो बॉन्ड एंगल रहते हैं इनके वो सभी नाइन्टी डिग्री के होते हैं ईच फ्लोरिन एटम बने बार बार आ रहा है ईच फ्लोरिंग एटम वन एच टू टू एच टू टू पी फाइव हैज़ वन अनसेड इलेक्ट्रो इन पी ऑर्बिटल द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ओवरलेप हैड ऑन विथ ए हाफ फुल हाइब्रिड एस पी थ्री डी टू ऑर्बिटल ऑफ द फॉस्पुरस टू फॉर्म ए सिग्मा सिंगल सिग्मा बॉन्ड तो इस तरीके से ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये अब आप सेप देख लीजिए इसका एस पी थ्री एस पी थ्री डी टू थोड़ा सा मिस्टेक एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल ये उसका था ट्राइगोनल वाईपराबिडल का लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा एस पी थ्री जी टू होगा ऑक्टा हेड्रल सेफ होगा ऑक्टा हेड्रल और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होंगे नाइन्टी डिग्री के होंगे ठीक है यहाँ भी नाइन्टी यहाँ भी नाइन्टी ये भी सब नाइन्टी डिग्री के होंगे और ऑक्टा हेड्रल सेफ बन जाएगा तो देख पा रहे हैं अब जब देखिए समराइज़ करें अगर इनको एस पी हाइब्रिडाइजेशन हुआ ठीक है लीनियर शेप है दो बॉन्ड पेयर है एस पी टू में ट्राइगोनल प्लेनर तीन बॉन्डपेयर हैं एस पी थ्री में टेट्राहेड्रल चार बॉन्ड पेयर है एस पी थ्री डी टी ट्राइगोनल बाई पे फाइव बॉन्ड पेयर है एस पी थ्री डी टू में ऑक्टाहेड्रल और सिक्स बॉन्ड पेयर है तो इस तरीके से हमारे ये जो ज्योमेट्री है इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है और अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो देखिए मैथिन का जैसे समझाया जा रहा है एक कार्बन हो गया जिसके कि चार आपको येलो डॉट दिख रही हैं और हाइड्रोजन की जो वाइट इलेक्ट्रॉन डॉट देख रहे हैं तो चार हाइड्रोजन के साथ वेस्पर थ्योरी में इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं ठीक है कार्बन सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन होगा जो सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन है जिसमें कि एसपी थ्री हाइब्राइजेशन हुआ जिससे कि क्या होगा चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और इन चारों में एक एक अनब्रेड इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि चार हाइड्रोजन के साथ आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे और इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन हो जाएगा सी एच टू ओ ये आपका अगर कहें तो फॉर्मेलिटी हाइड है इसको भी इसमें बताने की कोशिश की गई है फॉर्मेलिटी हाइड देखिए जैसा मैंने आपसे कहा एस सी एच ओ हाइड है इसका भी सेप बताया गया पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है अगला हम अगर एस पी टू में अगर लेते हैं तो देखिए किस तरीके से एस पी टू इसमें होगा क्योंकि याद रखिएगा जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा और एक पाई होता है और हम ये भी याद रखेंगे कि एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज से बनता है तो यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात है साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ठीक है और तब जाकर के हमारा यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ एस पी टू हाइब्राइजेशन होगा एक चीज़ याद रखना आप कि जब भी पाई बॉन्ड बनना हो तो वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है तो हम जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो जितने पाई बॉन्ड बने उतने पी ऑर्बिटल छोड़ देना चाहिए उतने पी ऑर्बिटल छोड़ देना चाहिए क्योंकि जितने पी ऑर्बिटल छोड़ दोगे तो वो पी ऑर्बिटल बाद में क्या करेंगे आपस में साइड वाइज ओवरलिपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है एस वी टू हाइब्रिडाइजेशन हमने फॉर्मेल्डिहाइड का इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर यह सिग्मा बॉन्ड बना क्योंकि आप देख पा रहे हो ना कार्बन हाइड्रोजन में ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया और एक दूसरा ये साइड वाइज लिपिंग करेगा और क्या करेगा यहाँ से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये पाई बॉन्ड बनेंगे ठीक है एब और बिलो द प्लेन जो रहता है ये पाई बॉन्ड बनेगा और ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से हाइड्रोजन साइनाइड फिर एक आपके सामने एक एग्जाम्पल है एस इसको भी आप देखिएगा किस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स जो शो किए गए हैं डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा इसको भी आप ध्यान से देखिएगा इसके बाद आपका ये देखिए किस तरीके से नाइट्रोजन एस पी हाइब्राइजेशन होगा क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा था देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन एक तो होगा सिग्मा और दो क्या होंगे पाई होंगे और जैसा मैंने आपसे कहा जितने पाई बॉन्ड बने उतने पी और बीतल छोड़ देना चाहिए तो इसमें दो पी छोड़ दिए तो तीन तो पी होते ही हैं तो पी कितने बचे एक बचा केवल तो इसलिए एस पी हाइब्राइजेशन हुआ और जो दो पी जिनको आपने छोड़ा है वो आपस में क्या करेंगे साइड बाइज ओवरलैपिंग करेंगे एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का फिर एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का साइड बाई ओवरलेपिंग करके और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे ठीक है इस तरीके से अगला ये एस सी एन कंप्लीट बन गया फिर आप पी सी एल फाइव जैसे मैंने आपसे कहा था ये फॉस्फोरस में देखो आप कितना बढ़िया तरीके से फॉस्फोरस की फाइव रेड डॉट दिखाएगी ये क्लोरीन में सेवन है जिसमें से एक अनपेयर्ड दिखेगा आपका तो ये देखो फास्फोरस की फाइव जो डॉट है वो दैट मीन अनपेयड इलेक्ट्रॉन जो भी हैं हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे एस पी और एक जो सी में अनपेयड इलेक्ट्रॉन है उन्होंने देखो आप ये देखो आपको टेन दिख रहा है ना यहाँ पर फाइव रेड डॉट दिख रहे हैं और फाइव आपको ग्रीन डॉट दिख रही है फाइव ग्रीन डॉट फाइव सी की है तो इस प्रकार से पी सी का फॉर्मेशन हो जाएगा ये पी सी एल फाइव में ये हमने इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल से दिखा दिया जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा ये पी हो गया ये पाँच सी एल आ गए वन टू थ्री फोर और फाइव ए फॉस्पोरस हो गया जिसमें एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन है फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और उनके साथ में फाइव सी एल का एक एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलेप करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया इस प्रकार से जो आज आपका टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे आप एन सी आर टी बुक जरूर पढ़िए अपना ध्यान रखिए अपने परिवार के लोगों का समाज के लोगों का मोहल्ले के लोगों का सबका ध्यान रखिए क्योंकि एक बार फिर से कोरोना अपना एक अटैक चालू कर रहा है ठीक है और सीधी सी बात है कि लापरवाही घटी और दुर्घटना घटी ठीक है ध्यान रखिए आप अभी सुन रहे होंगे समाचार में थोड़ा सा क्योंकि ये सर्दी जब आएगी तो और एक, एक इसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट है ठीक है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए आवश्यक नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए मास्क हमेशा पहनिए दो गज़ दूरी है जरूरी प्रधानमंत्री जी का जो बार बार अनुरोध है आप ज़रूर मानिए जय माई की जय हिंद